आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार रांची पहुंची सीता सोरेन, बोली दुमका में जिससे भी सामना हो जीत हमारी ही होगी। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड की 3 सीटों पर कांग्रेस ने झारखंड में अपने प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। झारखंड के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवि कुमार पहुंचे धनबाद, उन्होंने सभी वोटर्स से अपना वोट देने की करी अपील। और लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में प्रशासन अलर्ट, कलेक्ट्रेट सभागार में पोस्टल बैलेट पेपर को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन रांची लौट आई हैं। उन्होंने कहा कि दुमका सीट से उनका सामना जिससे भी हो जीतने वाली वही हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कर बीजेपी का दामन थामने वाली सीता सोरेन ने कहा कि दुमका में उनका सामना जिससे भी होगा उसकी जीत, लेकिन उनकी ही जीत तय है। दिल्ली में गुरुवार को रांची पहुंची सीता सोरेन ने रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभी हमें बहुत कुछ कहना है, सब्र करिए। सीता सोरेन का ये बयान राजनीतिक मायनों में बहुत महत्व रखता है। सीता सोरेन अपने देवर हेमंत सोरेन पर शुरू से ही मुखर रही हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद से लगातार उनके खिलाफ हमलावर रही हैं। जाहिर तौर पर भविष्य में बहुत कुछ बोलने की बात कहकर सीता सोरेन ने इसके संकेत दे दिए हैं कि दुमका में अगर हेमंत सोरेन चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उससे पहले ही इस तरह से बयानों का तीर चलाया जाए जिससे सामने आने से पहले ही विरोधी का मनोबल कमज़ोर हो जाए। बीजेपी में शामिल होने और उनके लिए विश्वास जताए जाने के लिए सीता सोरेन ने पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरा करके दिखाएंगी। बीजेपी में शामिल होकर दिल्ली से रांची लौटी सीता सोरेन का रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीता सोरेन का स्वागत करने पहुंचे बड़े नेताओं में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, विधायक नवीन जायसवाल, समरी लाल सहित कई लोग शामिल थे। सीता सोरेन के आगमन के दौरान बीजेपी महानगर के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। 400 पार का नारे के साथ उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता सीता सोरेन के साथ साथ पीएम मोदी और अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के 3 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। वहीं गठबंधन की ओर से लोहरदगा लोकसभा से प्रत्याशी ने कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 2019 में रहे कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है। सुखदेव भगत 2 बार लोहरदगा से विधायक रहे हैं और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार बनने पर सुखदेव भगत ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। बता दें कि इस दौरान लोहरदगा लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का उन्होंने दावा किया और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर कहा कि लोहरदगा की जनता बदलाव चाहती है, हम सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और लोहरदगा सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। तमाम हमारे कांग्रेस के सारे हमारे वरिष्ठ लीडर्स जिन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास जताया है, मेरा दायित्व है कि उस विश्वास पर मैं खरा उतरूँ। पूरी तन्मयता से, पूरी टीम के साथ, पूरे सहयोगी दलों के साथ मैं जो महागठबंधन का मैं प्रत्याशी हूँ, ये सीट जीते हम जीते। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार पूरे देश में संविधान की रक्षा की जो बात हो रही है, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो अलख जगाया है उसे पूर्ण करने का, पूर्णाहुति आज देने का एक अवसर हमें मिला है। मैं भी उसका एक छोटा सा पार्ट हूँ और हम जरूर चाहेंगे कि यहाँ की जनता, विशेषकर लोहरदगा संसदीय क्षेत्र की जनता बहुत ही संवेदनशील है, जागरूक है और उन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझती है, चाहे वो किसान हो, हमारे आम लोग हों, हर चाहे युवा वर्ग हो, महिलाएं हैं, जिस प्रकार की चीज़ें वो देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार महागठबंधन के खाते में, कांग्रेस के खाते में ये झोली जाएगी, ये सीट जाएगी और मैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैं जीतने का पूरा प्रयास करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है। बोकारो जिला स्थित बैरमोर मंडल अंतर्गत तेनुघाट शहीद पार्क के समीप नीलांबर पीताम्बर के आदमकद प्रतिमा में गिरडी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोतर महतो ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर माला पहनाई। वहीं समिति के द्वारा सबसे पहले सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को फूलमाला पहनाकर और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया।
सभी वक्ताओं ने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। साथ ही 28 मार्च को शहीद दिवस के रूप में सरकार से अपील की है कि इसको सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। शहीद नीलांबर सितंबर आज जिनके शहादत से आज पूरा देश आज़ादी में है, आज़ादी आज़ाद भारत में जो इनका योगदान रहा जो शहीद हुए, तो निश्चित तौर पर आज पूरा समाज के अनुयायी हैं और हम लोग एक समाज के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए धरोहर हैं और हमेशा जब तक धरती रहेगा हमेशा ऐसे शहीदों को, शहीद नीलांबर पीतांबर को हमेशा पूरा समाज ने पूरा देश उनको याद करता है। आदिवासी की मांग कर रहे हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित है समय समय पर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह के संयुक्त नेतृत्व में सुबह 4 बजे तेनुघाट जेल में छापेमारी की गई। अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि उपायुक्त बकारो के निर्देश अनुसार तेनुघाट जेल में औचक निरीक्षण कर छापेमारी की गई है। किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। ये रूटीन जाँच है, चुनाव को देखते हुए इस तरह की छापेमारी चलती रहती है। छापेमारी दल में गोमिया पुलिस निरीक्षक महेश कुमार सिंह, पेटरवा प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार महतो, अंचल अधिकारी अशोक कुमार राम, कार्यपालक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार, ओपी प्रभारी तेनुघाट अजीत कुमार सहित कई अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे। आज सुबह मैं स्वयं और मेरे साथ एसडीपीओ साहब, उनकी पूरी टीम, हमारे मजिस्ट्रेट, वीडियो सीओ, सभी मिलके हमने रेंडमली आज रेड मारा, छापेमारी की, जिसमें सघन छापेमारी की और उसी के क्रम में हमने लोगों का स्वास्थ्य है, हेल्थ, फूड, भोजन और भी कई तरह की दैनिक उन लोगों की दिनचर्या के बारे में ही बातें की और जो उद्देश्य था ताकि ये एक रूटीन वर्क भी है, बीच बीच में ये सब होते रहना चाहिए और इधर इलेक्शन को देखते हुए भी किए गए और जिसमें विशेषकर कोई आपत्तिजनक चीज़ें वैसी नहीं मिली, लेकिन फिर भी पाकुड़ शहर के बड़ी अलीगंज स्थित बस स्टैंड के पास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्वागत से सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शमशाद आलम ने की। बैठक में बतौर चीफ गेस्ट AIMIM के झारखंड प्रदेश महासचिव सह राजमहल लोकसभा प्रत्याशी पॉल सोरेन मौजूद रहे। पॉल सोरेन ने कहा कि AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी ने लोकसभा चुनाव में झारखंड से 6 कैंडिडेट देने का फैसला लिया है, जिसमें रांची, चतरा, गोड्डा, राजमहल आदि सीटों से कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। मजलिस हमेशा से जाति धर्म और जात पात से उठकर चुनाव लड़ती है। जो बैठक हुआ वो पहले तो हम लोग क्षेत्र का दौरा करने निकले हुए हैं कि पाकुड़ क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं और इस मीटिंग में ये सामने आया है कि पाकुड़ क्षेत्र के लोग यहाँ पे जो काम हुआ है, जो विजय हंसदा जी जो यहाँ पे MP हैं उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इस बार जो है AIM पार्टी बहुत पुरजोर लोकसभा में इस बार चुनाव लड़ेगी और जीतेगी और लगातार हम पिछले एक हफ्ते से दौरे पर चल रहे हैं और लाखों लोगों से हमारी बात हो चुकी है और इस बार हम देखेंगे कि लाखों मतों से AIM पार्टी इस बार राजमहल से आगे अपना पर्चा दाखिल करेगी। झारखंड में इस वक्त AIM पार्टी जो है 6 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला बना चुकी है, जिसके लिए कैंडिडेट का लिस्ट बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। अगर हम बात करें, राजमहल हो गया आपका, गुड्डा हो गया, रांची हो गया, चतरा हो गया और इस तरह से और 6 सीट है जिसपे हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। शाकिर साहब के साथ हमारी बात चल रही है। झारखंड के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवि कुमार ने आज धनबाद में शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में आयोजित मानव श्रृंखला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल के जरिए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने मतदान के लिए उल्लासपूर्ण माहौल तैयार करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इससे अधिक से अधिक लोग मतदान की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने शहरी मतदाताओं से कहा कि वे अपने निर्वाचक होने के प्रति जागरूक रहें, साथ ही मतदान के दिन घरों से बाहर निकलकर अपने संबंधित मतदान केंद्र पहुंचकर वोट का इस्तेमाल जरूर करें। तो एथिकल वोटिंग करना, बिना प्रलोभन का अपने मताधिकार का प्रयोग करना, उसका जागरूकता कराने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ में हम लोग उनका करा रहा हूँ। उसमें इस तरफ से आपका धनबाद में देख रहे हैं, उस तरफ से रांची में, आपका हजारीबाग में, बाकी अन्य क्षेत्र में भी अपने अपने काम कर रहा है। उसमें इसमें आम आदमी है वो थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, वो आके अपने नाम का निबंधन कर लें,
वोटिंग के दिन में बूथ जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें या कि एथिकल वोटिंग कर लें। अभी सभी व्यवस्था ऑनलाइन में हो गया, इसलिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाउनलोड करते हुए अपने नाम का चेक कर लें। किसी का नाम अभी तक निबंधन नहीं किया मतलब उनके एक बार अपने जरूर उसका दर्ज करते हुए, आपको यहाँ पर धनबाद में 25 मई का चुनाव है इसलिए अपने आप लोग मताधिकार प्रयोग करें। शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए, एक चुनाव के एक फेस्टिवल मोड के साथ में कराने के लिए सभी जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था कर रही है, इसी बार चुनाव शांतिपूर्ण होगा, एक फेस्टिवल मोड में इसी बार चुनाव। अभी जहाँ पर प्रमंड करवा रहा है उसमें लगातार अपने कार्यालय में भी दो एडिशनल CO है, इसे रूटीन वर्क होता देख लेंगे उसी में, इसे जगह जगह जाके हम लोग अपने देख रहे हैं, व्यवस्था भी कर रहा है उसमें। अभी अब बाकी आपका सुरक्षा के दृष्टिकोण में भी कितना भी आर्म्स रिकवरी ये सब कुछ देख रहे हैं। झारखंड के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि BLO के रजिस्टर के मुताबिक खुद मतदान केंद्रों पर जरूरी सहूलियात को मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग और 85 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वैसे वोटर जो मतदान केंद्रों पर नहीं पहुँच सकते, उनके लिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध किया जाए और मतदान केंद्रवार सर्वे करा लिया जाए ताकि उन्हें कोई अनावश्यक परेशानी नहीं हो। इसी तरह पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने वालों के लिए सारी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। झारखंड के चक्रधरपुर गुदड़ी के बुरुगिलीकेरा गांव में राजेश बुड़ नामक व्यक्ति शराब के नशे की हालत में गांव के मुंडा सुखराम बुड़ के घर पहुंचा। घर में मुंडा सुखराम बुड़ की पत्नी गंधवरी बुड़ को देखकर उसने अपने बाहर रखे लकड़ी का पेड़ा उठाकर उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। इससे मौके पर गंधवरी बुड़ की मौत हो गई और सूचना पाकर पहुंची गुदड़ी थाना पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को बरामद कर लिया है और मामले की हर बिंदु से जाँच कर रहे हैं। झारखंड के सिमडेगा में उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जलडेगा प्रखंड का भ्रमण किया। सबसे पहले उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जलडेगा प्रखंड के राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय पेतानो क्लस्टर का निरीक्षण किया। उन्होंने शौचालय, पानी सुविधा सहित सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त शौचालय निर्माण कार्य सहित सभी कार्यों का समय पूर्ण कराने के लिए उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी जलडेगा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के रजबंदा गांव में एक कुआं से प्रेमी और प्रेमिका का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद दोनों के शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने मेराल थाने को दी है, जिसके बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को कुएं से निकालकर अपने कब्जे में लेते हुए छानबीन में जुट गई है। हमारे घर कल गए 9:30 कहे कि सीताराम हमारा बहन के लेके भाग गया है, कि कहीं बुझा रहा कि हम गोली मार देंगे, ऐसे करेंगे। हम बोले कि नहीं भैया, गोली मत मारना भैया, उसको गलती किया है भैया तो हम लोग गार्जियन खुद है भैया, उसको सजा मत दीजिए, फोन करिए, थाना दरोगा है, पुलिस है। तो अनंत सिंह कह रहा है कि ठीक है, आप पता लगाइए, हम भी पता लगा रहे हैं, बढ़िया से पता लगाइएगा कि वो कहाँ है, उसको हम गोली मारबे करेंगे जान से। अभी तो वो मर गया सर, अभी मर गया वो। अनंत सिंह सुबह उससे हम बात किए, अनंत सिंह कहा कि नहीं पता हमको चलेगा तो हम बताएंगे, उसका गांव में पता चला तो वो फोन नहीं किया हमारे पास, बताया नहीं। थाना वाला हमको बताया कि लाश यहाँ मिला है, वो अपना बहन और मेरा भाई तो दोनों का लाश मिला है उसके गांव में। और कल सुबह लगभग 9 बजे अनंत सिंह मेरे भाई के यहाँ जाके बोल रहा था कि आपका भाई मेरे बहन को लेकर भाग गया है, और उसी में फिर हम लोग थाना गए थे, नगर थाना गए तो बोले कि मेराल जी, मेराल थाना गए तो फिर बोल रहे कि नगर जाइए। आज सुबह सुबह ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि मेराल थाने अंतर्गत राजबंदा गांव है, वहां पे एक कुआं है, कुएं में दो शव हैं। तो सूचना के आधार पर शव को निकाला गया है और इसमें एक लड़का और एक लड़की का शव है, परिजनों द्वारा इसकी पहचान की गई है और शव को कब्जे में लेकर के इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लड़का और लड़की में पूर्व से ही प्रेम संबंध था जैसा अभी पता चल रहा है हम लोगों को, बाकी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
गढ़वा जिले के विशनपुरा के हुरही गांव निवासी कासिम अंसारी के पुत्र मुस्लिम अंसारी ने विशनपुरा थाना में अपने 20 वर्षीय पुत्र मंजूर अंसारी का लापता होने को लेकर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। उनका आरोप है कि जब उनका लड़का अपने ही गांव में क्रिकेट खेलने गया था, वहीं से वो गायब हो गया। बता दें कि लापता युवक जिस खेल मैदान से गायब हुआ है, उसके दोस्तों से पूछे जाने पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि युवक के परिजनों ने जिनके ऊपर अपहरण का आरोप लगाए हैं, वही लड़के को लेकर गए हैं। मामला था हमारे लड़का के लिए उठा के ले गया यहाँ से। आपके लड़का के उठा के ले गए? ले गए, मारते पीटते थोपा थोपी करके ले गए यहाँ से। हम लोग घर पर नहीं थे। के ले गया? ले जाने वाला उमेश यादव है। और उमेश यादव है, लव कुश है, अनिल यादव है, जय प्रकाश है। आवेदन तो दिए हैं सर, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। थाने में आवेदन दिए हैं ना? दिए हैं सर। 3 दिन होने के बाद अभी तक आपके लड़का का कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं है सर। प्रशासन छानबीन कर रही है? प्रशासन साथ छानबीन करता सर, तुम्हारा अब तक 3 दिन हो गया, नहीं पता चल रहा लेकिन कहाँ। साहिबगंज जिले में लोकसभा चुनाव को कामयाब बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में पोस्टल बैलेट पेपर कोषांग के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ अपर समाहर्ता राजमहेश्वर की अध्यक्षता में बैठक कर पोस्टल बैलेट के नियमों, मुख्य बातों और अनिवार्य सेवा के संबंध में जानकारी दी गई। गिरिडीह जिले के बगोदर बाजार में जबरदस्त आग लगने से करीब 10 दुकानें जलकर राख हो गई। इस घटना में भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने करीब 3 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया है, जिसमें भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय विधायक विनोद कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। और साहिबगंज के JSCA इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 टूर्नामेंट में 3 मार्च से 4 अप्रैल के लिए साहिबगंज जिले की 15 सदस्यीय टीम तैयार हो गई है। सिद्धू कानू स्टेडियम में आज अंतिम रूप से टीम का सिलेक्शन किया गया। JSCA डिस्ट्रिक्ट सब कमेटी चेयरमैन चंदेश्वर सिन्हा उर्फ बोधी सिन्हा ने बताया कि साहिबगंज की टीम 29 मार्च को गोड्डा रवाना होगी, जहां गोड्डा, दुमका और जामताड़ा के साथ मैच होंगे। चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा उर्फ बोधी सिन्हा और जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने टीम को शुभकामनाएं दी हैं। मौके पर जिला क्रिकेट संघ सचिव अंकुर सिन्हा, सतीश सिन्हा, मोहम्मद अशफाक आलम, अमित तिवारी, प्रभाकर सिंह उर्फ गुड्डा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा है JSCA के द्वारा, और साहिबगंज का टीम आज चयन किया गया, उसका प्रैक्टिस हो रही है कई दिन से, और कल टीम रवाना होगी। और वेन्यू हम लोग गोड्डा है, गोड्डा में साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और दुमका, 4 जिला का मैच हुआ होना है। 30 से 4 तक मैच है, और हम टीम जहाँ तक है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट की टीम अच्छी बनाई गई है। हम टीम को पूरी शुभकामना देते हैं। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर जामताड़ा में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। दुमका रोड शिव मंदिर प्रांगण में आरंभ होकर ये कलश शोभा यात्रा मुख्य बाजार होते हुए गांधी मैदान पहुंचकर संपन्न हुए। श्रवण कुमार अग्रवाल के द्वारा आयोजित ये श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा आम लोगों के लिए भी बहुत खास रही। पहली बार कलश शोभा यात्रा में जामताड़ा वासियों को भक्तों के साथ ऊंट और दर्जनों की संख्या में घोड़े नजर आए। सबसे आगे ऊंट की सवारी, फिर घुड़सवार और उसके बाद वृंदावन से आई विदेशी महिला कृष्ण भक्तों की टोली, जो भजन गाते हुए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। आज शोभा यात्री बड़ा ही धूमधाम से निकला, जिसमें घोड़े भी थे, ऊँट आदि भी थे, बग्घिया आदि भी थी, और काफ़ी महिलाओं ने एक ही पोशाक में बढ़िया शोभा यात्रा में भाग लिया है, और पुरुष भजन का भी बड़ा सा। आज संध्या 4 बजे से 7 बजे तक कथा का आयोजन होगा, जो लगातार 7 दिन चलेगा। 7वें दिन ये कथा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी, और 8वें दिन भंडारे और प्रसाद के साथ इस कार्यक्रम का। सिद्धू कानू सभागार साहिबगंज में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र साहिबगंज के तहत अन्य विभाग का वेक्टर जनित रोगों से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, और इसका उद्घाटन उपायुक्त हेमंत सती, सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार,
सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और अन्य विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें आकांक्षी जिला के विभिन्न कायाकल्प के क्रियाकलाप के अंतर्गत साहिबगंज जिला प्रशासन की पहल पर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, JSLPS, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा, कल्याण विभाग और पीरामंडल फाउंडेशन के सहयोग से प्रशासन द्वारा हेल्थ क्लब का गठन कर संकल्प लिया गया कि अभिसरण के द्वारा इस अभियान को सफल बनाने में मदद की जाएगी। आप लोगों तक जो बातें हैं वो अच्छे से पहुंच पाए और फिर आप लोगों के माध्यम से छल करके वो बातें नीचे तक पहुंच पाए, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारा। जो JSLPS की हमारी नेटवर्क है, JSLPS की टीम है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से और अपने दिमाग में किसी का समझ में नहीं आता है तो आप अभी पूछ लीजिए, इसके बाद आप कंटिन्यू करिए। आपने जल्दी खत्म कर दिया लेकिन वो ऐसे खत्म करने में कोई औचित्य नहीं है। दोबारा से एक बार प्रेजेंटेशन आप सुनिए, समझ में नहीं आता पूछ लीजिए। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज बहुत ही खतरनाक चीज़ है जिसमें गाँव में मच्छर काटने से तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। मच्छर पनपने का कारण क्या है तो गाँव में गंदगी बहुत अधिक मात्रा में, साफ सफाई नहीं है, पानी जमा रहता है। तो जितना हमारी ये टीम आई हुई है सबका कुछ ना कुछ योगदान। बुलेटिन में बस इतना ही, अपने मेजबान मुनीस अनवर को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।